Hey guys, so I am Reena Madha and welcome back to my channel. Thank you so much to my 300 subscribers. Very soon we will cross 1000 subscribers. So as usual, like my video and subscribe to my channel guys. So आज का मेरा वीडियो वेडिंग स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं आज आपकी आपको ये बताने वाली हूँ कि समर के लिए आप बेस्ट आउटफिट घर पे कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आपके बजट में फिट है ये आउटफिट. सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी आउटफिट घर पे स्टिच कर रहे हैं या फिर घर पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फैब्रिक सिलेक्शन रहता है. तो साड़ी के लिए कौन सा फैब्रिक परफेक्ट है वो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको साड़ी के लिए कौन सा फैब्रिक सिलेक्ट करना चाहिए जो भी बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल आपके अंडर बजट में आए. तो ये आउटफिट मैंने सब्यसाची मुखर्जी से इंस्पायर्ड होकर बनाया है. तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी एंड फैशनेबल आउटफिट है. तो आप इसे घर बना के ज़रूर ट्राई कीजिए. एंड हाल ही में एक वेडिंग में मैंने ये आउटफिट पहना था तो इसीलिए ये फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है. तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मसलिन फैब्रिक यूज़ करें, लेकिन अगर आपको मसलिन फैब्रिक मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं मिलता है तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई और फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मोडल सिल्क, क्रेप सिल्क का फैब्रिक यूज़ करते हैं. लेकिन ये फैब्रिक थोड़े से कॉस्टली है तो आप अंडर बजट में आपको बनाना है तो आप ब्लेंडेड फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको एक ही वैरायटी के बहुत सारा वेरिएशन मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड होप यू लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. साड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक लेना है. मैं यहाँ पे 3 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक एंड 2 मीटर प्लेन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ एंड दोनों फैब्रिक को सेंटर से जॉइंट कर दूँगी. ऐसे ही 2 फैब्रिक को मिक्स करके आप साड़ी बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप फ्रेंसिंग ही करें. उससे साड़ी का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो लॉक हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं वो कवर हो जाएंगे. सो उसकी फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी लगेगी. सो फ्रंट पार्ट में कुछ ऐसा देखिएगा, ये साड़ी का बैक पार्ट है जिसमें फिनिशिंग दिखेगी एंड ये साड़ी का फ्रंट पार्ट है. अब इसी पार्ट को मैं फिर से स्टिच करूँगी. सो इससे जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है जहाँ से थ्रेड्स ज़्यादा निकलते हैं वो लॉक हो जाएगा एंड इससे आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी साड़ी में. सो मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है एंड आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट से वैसा ही दिख रहा है जैसा हम नॉर्मल जॉइन करते हैं. एंड अब बारी है लेस की. अगर आप साड़ी में ऑल ओवर लेस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं. मैं यहाँ पे प्लेन फैब्रिक में ही लेस यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरा ऑलरेडी पार्ट वो प्रिंटेड है. सो मैं वहाँ पे लेस यूज़ नहीं कर रही हूँ. सो लेस वाला पार्ट पल्लू में रहेगा सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लेस यूज़ की है. एंड देन अब बारी आती है बेल्ट की. तो बेल्ट आप कोई और भी ले सकते हैं. अगर आपको गोल्डन बेल्ट लेना है आप गोल्डन बेल्ट यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज आप मैचिंग बेल्ट यूज़ करना चाहें तो अगर आपकी लेस कोई एक्स्ट्रा है एंड अगर इसी साड़ी की अगर आपके पास लेस है तो उसी का आप बेल्ट स्टिच कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बेल्ट बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है. सो जो भी आपकी वेस्ट है वहाँ से मार्क करके आपको यहाँ पे जो बटन यूज़ करना है आप वो बटन यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे प्रेस बटन यूज़ कर रही हूँ. ये मेरा फाइनल लुक है. बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी के साथ मैंने एंटी गोल्ड कलर यूज़ किया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है. वैसे ही मैंने गोल्ड कलर के झुमके यूज़ किए हैं एंड बॉटम में मैंने प्रिंट यूज़ किया है जो कि एकदम काइंड ऑफ लहंगा लग रहा है. एंड वेस्ट पे मैंने बेल्ट जो कि आपको बताया मैंने वीडियो में इसको कैसे घर पे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है. बहुत ही लाइट वेट साड़ी है ये तो आप इसको आराम से समर में पहन सकते हैं. साड़ी का कलर मेरा ऑलरेडी इतना डार्क है तो मैंने मेकअप इतना डार्क नहीं किया है, बहुत लाइट मेकअप किया है. एंड ऐसे ही आपको ईयरिंग यूज़ कर सकते हैं लाइक झुमका, स्टड ईयरिंग. बहुत ही प्रिटी एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साड़ी लग रही है ये. ब्लाउज मैंने लॉन्ग स्लीव एंड हाई नेक का ब्लाउज बनाया है जिसमें नेक में थोड़े से फ्रिल्स दिए. इस साड़ी के साथ नई ब्लाउज एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है गाइज. सो इस वेडिंग आउटफिट को घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरा ये आइडिया साड़ी के लिए कैसा लगा. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.